सीन से सात, सीन से सास भी बन सकता है, सीन से स्कंदर भी बन सकता है, उसके बाद स्वाद है, स्वाद से साबन है, और मुख्तलिफ लफ्ज स्वाद से बनाए जा सकते हैं, स से सालिस है, वारिस है। इस तरह से ये आपने एक मश्क तैयार करनी होती है जिसमें एक हर्फ के मुख्तलिफ अल्फाज लिखे जाएं और उनको लिखवाए जाएं, और फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, जितना ज़खीरा अल्फाज उनके पास होता जाता है तो फिर उन्हें पहचान हो जाती है कि तोता तोय से लिखा जाता है, सास सीन से लिखी जाती है, साबन स्वाद से लिखा जाता है। अब इसी तरह मैंने क्या किया, आगे आ जाए, ते है और तो है, ते को भी हम त पढ़ाते हैं और तोए को भी हम त पढ़ाते हैं। गो, इन दोनों की आवाज़ों में फ़र्क है लेकिन वो महसूस नहीं करते, इसलिए उनकी मश्क के लिए मैंने क्या किया है, त से तार, त से तलवार, त से तजर्बा, बहुत सारे लफ्ज लिखे जा सकते हैं। तोए से तोता है, तोमार है, और इसी तरह मुख्तलिफ अल्फाज बनाए जा सकते हैं। इसके आगे अगर आप देखें तो बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं काफ कुत्ते वाला और ये काफ कैंची वाला। अब आवाज़ें इनकी मिलती हैं, क है और ये भी क है, ये हालांकि इसकी हल्क में से आवाज़ आती है क, लेकिन आम जिनको हम पढ़ा रहे हैं हम उन्हें कोई आलम फाजल नहीं बना रहे। हमारा मकसद ये है कि वो आसान अल्फाज पढ़ सकें। तो ये मैंने क्या किया, क से काम, क से कैंची। अब नीचे आ जाएं, यहाँ पर ये चार हैं मिलते जुलते, ज है, जाल है, ज़ुआद है, ज़ोए है। इससे मैंने लफ्ज़ बनाया ज़ुबान, जाल से मैंने बनाया ज़ात, ज़ुआद से मैंने बनाया ज़ामन, और ज़ोए से मैंने बनाया ज़ालिम। इस तरह से आप इनकी मश्क करवाएंगे कि वो रोज़ बरोज़ उन्हें पता चलता जाएगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही दम बहुत ही जल्दी वो सास को स्वाद से ना लिखें, हो सकता है लिखें, लेकिन उनकी मश्क जब हो जाएगी, जब उन्हें ठीक करेंगे तो वो बड़ी आसानी के साथ इस पर अबूर हासिल कर लेंगे। सो हम आवाज़ हरूफ पढ़ाने का सिवाय तख्ता स्याह पर मश्क कराने के और कोई ख़ास तरीका नहीं है। यही एक त्रिकल सौत में थोड़ी सी दुश्वारी आती है, लेकिन ऐसी दुश्वारी नहीं कि हम आगे ना बढ़ सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बड़ी आसानी के साथ तालिब इल्मों को समझा सकेंगे। शुक्रिया। जी, आपको याद है कि आखिरी हिस्सा जिसमें मैंने ये लिखवाया था कि निशानात कुछ ऐसे हैं जो आपको तालिब इल्म के लिए सीखने चाहिए ताकि आप उन्हें सिखा सकें। ये चंद एक निशानात ऐसे हैं जो उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं और उससे लफ्ज़ भी बदल जाते हैं, और इसी तरह उनको खूबसूरत भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे तो नहीं, लेकिन जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं उन निशानात का मैंने मुनासिब जाना कि आपको सिखाऊं, और उनको तख्ता स्याह की मदद से मैं बताता हूं, दिखाता हूं। ज़रा तख्ता स्याह पर देखिए, इसमें सबसे पहले है तशदीद, जो सफ़ा 31 पर भी आपको मिलेगी और पढ़ाई गई है। उसके बाद हमज़ा है, ये तशदीद का ये निशान है, ये देखिए ये छोटा सा दंदाना, हमज़ा
जिसका ये निशान है। हमज़ा एक हर्फ भी गिना जाता है, लेकिन ये खुद ब खुद एक अकेला हर्फ के तौर पर इस्तेमाल कहीं नहीं होता। वाव मदूला है जिस, और उसका ये है कि वाव के नीचे एक छोटी सीधी लकीर होती है। और जज़्म है, ये दो किस्म का है जज़्म, ये आठ की तरह, उर्दू के आठ की तरह ये, और ये वी की तरह, दोनों का मुख्तलिफ काम है, मैं समझाऊँगा। और ये तनवीन है, ये अलिफ के ऊपर दो खड़ी ज़बरें, ये देखिए ये अलिफ है, उसके ऊपर दो ज़बरें, दो छोटी छोटी लकीरें सीधी होती हैं, इनको तनवीन कहते हैं। अब आइए इनको देखते हैं कि इनका काम क्या है। यहाँ पर देखिए तशदीद, तशदीद ये निशान, जब किसी आवाज़ के ऊपर आए तो वो आवाज़ दो दफ़ा बोलने में आती है, लिखने में एक दफ़ा ही आती है। मैंने यहाँ पर दो लफ्ज़ लिखे हैं, बच्चा और कच्चा। अगर ये निशान ना हो तो ये कच्चा नहीं पढ़ा जाता, कचा पढ़ा जाता है। इसकी खूबी यह है कि ये इस आवाज़ को दो दफ़ा बोलने के लिए मजबूर करती है, लेकिन लिखते हम इसे एक ही दफ़ा हैं। बोलते किस तरह, जिस तरह ये देखिए मैंने नीचे लिखा है, अगर ये निशान ना हो और हमने बच्चा लिखना हो तो इस तरह लिखते हैं, ब और च एक दफ़ा और फिर च और हे। यानी यहाँ पर आप देखें दो दफ़ा मैंने च लिखी है, लेकिन इस तरह लिखने की बजाय हम लिखते इस तरह हैं, और इस च के ऊपर ये निशान यानी तशदीद जब हम डालते हैं तो फिर इसको पढ़ते हैं इस तरह, बच चा कच चा। यहाँ पर मैंने इसे फिर लिखा काप जबर चे, क च जबर ने इसे मुतहरक किया कच, और फिर च और आ चा कच चा। यानी दो दफ़ा च बोलने में आई, लेकिन लिखने में एक दफ़ा आती है जब ये निशान हो। तशदीद का काम आप समझ गए हैं कि जिस आवाज़ के ऊपर आए वो आवाज़ बोलने में दो दफ़ा आती है, लिखने में एक दफ़ा लिखी जाती है। मिसाल मैंने आपको दे दी, बच्चा कच्चा, और इसी तरह और बहुत सारे अल्फाज हैं जिनके ऊपर तशदीद हम डालते हैं ताकि वो आवाज़ दो दफ़ा बोले, और इस तरह लफ्ज़ भी खूबसूरत लगता है और हम लिखने में जगह भी कम घेरते हैं। ठीक है, अब हम हमज़ा की तरफ आते हैं। हमज़ा का ये निशान है, यहाँ पर मैंने उसे हमज़ा को दूसरे रंग से लिखा है, आइए, और यहाँ पर दीजिए। मैंने आपको समझाया था कि वावल्स जो हैं वो अपना क्या काम करते हैं, एक आवाज़ को मुतहरिक करते हैं दूसरी आवाज़ के साथ मिलाने के लिए। इसके बाद इसके साथ ही मैं आपको और मज़ीद समझाऊंगा कि कुछ हरूफ इल्लत ऐसे होते हैं जो दरमियान में आकर आवाज़ बन जाते हैं। हमज़ा का काम ये है कि अगर दो वावल्स, दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आएं और उनके ऊपर हमज़ा हो तो वो उन दोनों को उसी तरह हरूफ इल्लत की आवाज़ से ही बोलने में आते हैं, आइए, दी जिए, खाइए, पीजिए, बैठिए, सुनिए। यानी ए और ई, यहाँ पर ए और ये देखिए इसको आ ये दी जिए। हमज़ा का काम ये है कि इन वावल्स को अपनी अपनी जगह पर बोलने के लिए रखता है, यानी हम उसे वावल ही रहने देते हैं,
उसे हरूफ इल्लत के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं। जहां पर यह आवाज में तब्दील होता है वो मैं आपको अलग बताऊंगा। उसके बाद है वाओ मदूला। वाओ मदूला क्या है? एक वाओ होती है, ओ होती है, और इसके नीचे एक सीधी लकीर होती है, ये जिस तरह मैंने यहां पर बनाया। जिस लफ्ज में इस तरह वाओ आए वो वाओ बोलने में नहीं आती, वहां हम उसे हजफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं और बराह रास्त अगले हिस्से पर चले जाते हैं। जिस तरह मैं आपको लफ्ज दिखाता हूं, ये है। अगर ये नीचे लकीर ना हो वाओ के तो हम इसको खवाब पढ़ेंगे, खवाब। लेकिन इसकी खूबी ये है, वाओ मदूला है, ये वाओ बोलने में नहीं आएगी, ना वो बोली जाएगी ना ओ बोल, ये सीधा हम बोलेंगे ख्वाब। बहुत दफा लोग इसे गलत पढ़ते हैं, ख्वाब पढ़ते हैं, ये ख्वाब नहीं, ये ख्वाब है। और ये वाओ मदूला है, वाओ मदूला बोलने में नहीं आती। इसी तरह ये देखिए, ख्वाहिश नहीं लफ्ज़ होता, ख्वाहिश लफ्ज़ होता है। ख और अलिफ को बराह रास्त बोलने में हम लेते हैं ख्वाहिश, ख्वाहिश नहीं। ओ जो है ये हजफ हो जाती है, ओ जो है ये वाओ मदूला है। यहाँ पर भी ओ मदूला है और यहाँ पर भी ओ वाओ मदूला है, यानी बोलने में नहीं आती। ख्वाब है, ख्वाहिश है, खुश है। इसी तरह और बहुत सारे लफ्ज होते हैं। उसके बाद जज़म। जज़म ये दो तरह की है, आपने देखा, एक ये आठ जिस तरह उर्दू का होता है और दूसरी जो है जिस तरह अंग्रेज़ी का वी होता है। इसका मतलब ये है, जज़म जो आठ की तरह है ये आवाज़ को साकिन कर देती है, जिस तरह आ ग उसे वाजे कर देती है। अलफ मद दा गाफ माकूफ यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसको हम साकिन कर देते हैं। आग, बाप वगैरह। और ये जो है ये यहाँ पर मैंने दी है, देखें, जंगल, ये जंगल नहीं है, जंगल है। जहाँ पर ये नून के ऊपर इस तरह आएगी वी, वो नून गुना बन जाती है, वो नून गुना बन जाती है, उसकी अब नून की आवाज़ नहीं रहती। यहाँ इसको हम जंगल, 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 जंगल नहीं पढ़ेंगे बल्कि जंगल, नून गुना। सो जज़्म का काम यह है, नून गुना अगर इस तरह है तो नून गुना की आवाज़, और अगर इस तरह है तो साकिन। उसके बाद एक तनवीन, ये निशान है अलिफ के ऊपर दो खड़ी जबरें, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने लफ्ज फौरन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हिस्से बनाएं, फ है, ओ है, फो बन गया और र है, और यहाँ पर नून की बजाय अलिफ के ऊपर दो खड़ी जबरें हैं और ये नून की आवाज़ देती है। फौरन, तकरीबन, मसलन, यहाँ पर भी देखें अलिफ के ऊपर दो जबरें हैं, मसलन उसमें भी दो जबरें होती हैं। लिहाजा तनवीन क्या है? अलिफ के ऊपर दो खड़ी जबरें हों तो ये आवाज़ नून की देती हैं, न की आवाज़ देती हैं, बोलने में न आता है, अलिफ नहीं आता। सो ये चंद निशान हैं जो आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तशदीद है, हमज़ा है, वाओ मदूला है, जज़्म है, तनवीन है। ये चंद निशानात हैं जो मैं आपको समझाना चाहता था। अभी मैंने आपसे वादा किया है कि मैं वावल्स के मुतल्लिक एक दफ़ा फिर आपको समझाऊं, हरूफ़ इल्लत के मुतल्लिक आपको फिर से बताऊं कि वो ऐसे भी हैं जो आवाज़ में तब्दील हो जाते हैं, वो मैं इसके साथ ही अभी समझाता हूँ। ज़रा इंतज़ार कीजिए। मैंने आपसे वादा किया था कि वावल्स यानी हरूफ इल्लत के मुतल्लिक थोड़ा सा और बताऊंगा।
तो आइए तख्ता से आप देखते हैं, मैंने वो वावल्स, वो हरूफ़ इल्लत लिखे हैं। देखिए पहले है आ, ये भी आ है जब लफ्ज़ के बीच में आता है। ओ, और ये भी ओ है जब लफ्ज़ के बीच में आता है। ए, और ये भी ए है, ये ए आखिर में, और ये एक लफ्ज़ के शुरू में आपने पढ़ा था, यानी लफ्ज़ के शुरू में। जिस तरह ई, और ये भी ई है जबकि लफ्ज़ के दरमियान आए या शुरू में आए। उसके बाद ज़बर है, ये निशान है। ज़ेर है जिसका ये नीचे लकीर होती है। पेश है जो इस तरह से। अब ये बात तो वाज़े हो गई कि सात वाल्स हैं, सात हरूफ इल्लत हैं। मैंने जो बात समझानी है इस वक्त आपको कि इनमें ये एक ऐसा हरूफ इल्लत है जो शुरू में जो ही आता है तो ये हरूफ इल्लत नहीं होता बल्कि आवाज़ में तब्दील हो जाता। वरना वगैरह, अगर मैं इसको यहाँ पर आपके सामने लिखूँ तो गौर से देखिए इसको, हम ये देखिए वरना, ठीक है, वक्त, ठीक, जो ही ये शुरू में आप इसको देखें तो ये आप याद रखें कि ये आवाज। आप में से कोई ये भी कह सकता है कि यही जिसे हम शुरू में कहते हैं कि वह है, दरमियान में ये ओ है, दरमियान में भी कई दफा ये व बन जाती है, आवाज बन जाती है। वो किस तरह आवाज बनती है मैं आपको समझाता हूं। इसको जरा साफ कर लेते हैं तख्ता स्याह को, और फिर आपको जरा ज्यादा जगह होगी जिसमें मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूंगा। मैंने आपको जो बात समझानी है वो ये है कि वावल्स यानी हरूफ इल्लत जो सात हैं, आ, ओ, ए, ई, ज़बर, ज़ेर, पेश, इनमें से कुछ ऐसे हरूफ इल्लत हैं जो शुरू में आए तो वो आवाज़ में तब्दील हो जाते हैं। और मैंने शुरू किया था ओ के साथ। आइए देखें तख्ता स्याह पर, ये देखिए ये शुरू में ओ इस तरह आता है, दरमियान में देखिए किसी के साथ मिलकर आए तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये को हो गया, क के साथ मिला तो को हो गया, ओ है। ये जब शुरू में आए इस तरह बिल्कुल अलग थलग तो फिर ये हरूफ इल्लत नहीं रहता, ओ नहीं रहता, बल्कि आवाज़ में तब्दील हो जाता है। और इससे जो लफ्ज़ बनते और इसकी जो आवाज़ है वो है व। क्या आवाज़ है? व। और ये आपको पढ़ाया भी जा चुका है, व इसकी आवाज़ है, व। इससे लफ्ज़ आप देखें, यहाँ मैं बनाता हूँ, वरना, वक्त, वगैरह, और बहुत सारे अल्फाज इसी तरह व से बनते हैं, व। अब कोई मुझसे ये भी सवाल कर सकता है कि ये कई दफ़ा दरमियान में भी व हो जाता है, और उसकी मिसाल अगर हम लें तो वो है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये इस वक्त
इसको हम क्या पढ़ते हैं? को पढ़ते हैं। लेकिन पहली आवाज अगर मुतहरिक हो जाए किसी और हरूफ़े इल्लत से, तो फिर ये आवाज़ में तब्दील हो जाते हैं। अगर क को हम ज़बर लगा दें तो ये को नहीं रहेगा, ये बन जाएगा कव। कव क्या बन जाएगा? कव। जैसे आपको हम अगर ये देखिए, अब हम इसे क्या पढ़ते हैं? कुआ नहीं पढ़ते, कब वा पढ़ते हैं। ये तशदीद ने तो ये अपना काम किया ना कि इस ओ को, इस व को दो दफ़ा बोलने में आई। मैंने इससे पहले समझाया था कि तशदीद जो ये निशान है जिस आवाज़ के ऊपर आए वो दो दफ़ा बोली जाती है। तो इसने तो अपना काम किया कि व को दो दफ़ा हम बोलेंगे, लेकिन ये ज़बर जो है इसने क को मुतहरिक किया। तो ये क इस तरह हम कह सकते हैं कि क एक हिस्सा बन गया ज़बर के साथ क, और ये देखिए, और इसके साथ हमने वा कव वा यहाँ इसके ऊपर तश्दीद, इस तरह से ये लफ्ज़ बना कव वा। दरमियान में उसी वक्त आवाज़ बनेगी जब इससे पहली आवाज़ किसी और वावल से, यानी उन सात वावल्स में से आ जाए। अगर ये तो ज़बर से मैंने मुतहरक किया है ना, इसे कब बना दिया। अगर हम इसको ये कह, अगर इसके नीचे जेर डाल दें तो फिर के, और इसके साथ अगर व लगाएंगे तो फिर भी ये व होगी, ओ नहीं पढ़ेंगे, किव। इसको हम किव पढ़ेंगे, को नहीं पढ़ेंगे, किव पढ़ेंगे। क्यों? क को जेर ने मुतहरिक कर दिया। फिर एक और देखें, अब क को आ ने मुतहरिक कर दिया, क्या बन गया? का। अब हम इसे काव नहीं पढ़ेंगे, काव पढ़ेंगे, काव, क्योंकि क को मुतहरिक किया आ ने, और ये अब नए सिरे से इसको हम वावल नहीं पढ़ते बल्कि आवाज पढ़ते हैं काव, का, कावश। ये देखिए कावश। अगर इसके ऊपर जबर ये हमजा आएगी तो फिर हम इसे कावश नहीं पढ़ेंगे, फिर हम इसे क्या पढ़ेंगे? काओश। क्यों? क्योंकि आ और ओ दोनों इकट्ठे आ गए हैं और हम ये चाहते हैं कि ये दोनों वावल रहें, इसलिए हमने इस पर हमजा डाली। हमजा का काम यह है कि इसे हम आ पढ़ेंगे, इसे ओ पढ़ेंगे, यहां पर आवाज नहीं पढ़ेंगे, यहां पर इसको ओ पढ़ेंगे, काउश। लेकिन अगर ये ना हो जिस तरह पहले थी तो फिर ये, फिर एक दफा लिखकर दिखा दूंगा, ये देखिए ये काउश। इसी तरह जिस तरह ओ व में तब्दील हुई है, इसी तरह ए भी, ये देखिए, ये शुरू में ए आई, दरमियान में इसकी शक्ल ये होती है ले, और यहां अगर हम ना लगा दें तो लेना, ठीक है, यहाँ क के साथ ए लग जाए तो के, और इसके साथ अगर हम ला लगाएं तो केला,
ये दरमियान में ए है। अब ये आवाज़ भी बन जाता है, जिस तरह ओ दरमियान में आकर आवाज़ में तब्दील हो जाता है, ये भी इसी तरह से आवाज़ में तब्दील होता है। इसकी मिसाल ये है, अगर हम इसको मुतहरिक कर दें ज़ेर के साथ ल को, तो फिर ये य बन जाती है, फिर ये नहीं रहती, लेना नहीं रहती, ली य, ली, और ये य बन जाएगी। और इसके साथ नया लफ्ज़ हम बनाकर आपको दिखाते हैं। मैं ए को एक दफ़ा फिर से समझाता हूँ, ज़रा इंतज़ार कीजिए जी। जिस तरह ओ शुरू में आए तो वो आवाज़ में तब्दील हो जाता है, इसी तरह ए भी। हम एक दफ़ा फिर देखते हैं, मैंने थोड़ा सा समझाया था लेकिन आप देखिए इसे तफसील में मैं बता। ये देखिए ए की ये शुरू की शक्ल है और ये इस ए की दरमियानी शक्ल है, और यही चीज़ अगर लफ्ज़ के शुरू में आ जाए तो फिर ये आवाज़ बन जाती है, और इसकी आवाज़ होती है य, यकीन, याद। ठीक है, मैं लफ्ज़ बनाता हूँ। ये देखिए यहाँ ये शुरू में अगर आए इस तरह से, इस लकीर के बग़ैर अगर शुरू में आए तो फिर ये हरूफ़ इल्लत नहीं है, ये आवाज़ है, और इसकी आवाज़ है य। जैसे अब हम इसको अगर ये लिखें तो क्या बन जाएगा, याद, या, और या के साथ अगर ये हर्फ लगा दें तो ये लफ्ज़ बन गया याद। फिर और लफ्ज़ बना सकते हैं, याद, यकीन। इस तरह जो ही ये देखिए शुरू में आई और इसके साथ यकीन, यकीन, याद, यकीन, य शुरू में आ गई। और कई दफ़ा जिस तरह ओ दरमियान में जाकर व बन गई थी, इसी तरह ये भी दरमियान में जाकर भी आवाज़ बन जाती है। जैसे ये देखिए, अगर हम इसको इस तरह लिख दें तो ये है द्या, द, क्योंकि इतना हिस्सा बन गया दे आ, देया। लेकिन अगर इसको हम मुतहरिक कर दें ज़ेर के साथ तो फिर हम इसे पढ़ते हैं दि या, दि या। ज़ेर ने मुतहरिक किया इसको, ये बन गया दि, यानी ये वो एक हिस्सा बन गया ना, और ये नए सिरे से हिस्सा आ गया दि या, की या, आ या। ये देखिए आ, और यहां पर हम इसे आए नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आ या, यहां पर ये हो गए। लिहाजा ये दो वावल ऐसे हैं जो शुरू में आए तो आवाज़ में बदल जाते हैं और दरमियान में भी कहीं कहीं बदलते हैं। शर्त यह है कि उससे पहली आवाज़ मुतहरिक हो चुकी हो, यानी मुतहरिक करने से मुराद ये है कि कोई वावल, कोई हरूफ़ इल्लत शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, उसके साथ लग जाए, ज़ेर लग जाए, ज़बर लग जाए, पेश लग जाए, आ लग जाए, ओ लग जाए, कोई सा हरूफ़ इल्लत पहली आवाज़ को जब मुतहरिक करता है तो फिर वहाँ पर जाकर ये
ए नहीं रहती बल्कि य बन जाती है, और शुरू में जो ही ये आती है ये